आखिरकार दोस्तों भारतीय नौसेना ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि अपने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का खुलासा कर दिया, जिसके खुलासा करने के बाद चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम और चाइनीज नेवी की मिसाइलें धरी की धरी रह जाएंगी। और इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खुलासे के बाद भारत को रसिया या फिर इसराइल जैसे देशों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत का ये स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही इतना कैपेबल है कि ये किसी भी तरीके के मिसाइलों को आसानी से न्यूट्रलाइज करने में पूर्णतः सक्षम है। हेलो दोस्तों, असल में सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट निकल कर सामने आई है, सोचा आप सभी फ्रेंड्स तक बड़ी छोटी सी वीडियो के माध्यम से विस्तार से पहुंचा दूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिकन थिंक टैंक और अमेरिकन न्यूज एजेंसी के हिसाब से भारत में कई तरीके के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का निर्माण हो रहा है, जिसमें से कि कूसा प्रोजेक्ट भारत की नौसेना का सबसे ज्यादा क्रांतिकारी और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट होने वाला है। और भारत के इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को देखने के बाद अमेरिका भी काफी ज्यादा हैरान है। और दोस्तों, भारत का ये जो कूसा एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है या मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं, इसके बनने के बाद भारत भी इस कैटेगरी में आ जाएगा कि अमेरिका के थर्ड और रसिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत अपने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से टक्कर दे पाएगा। दरअसल दोस्तों, जिस तरीके की सोर्सेस से खबर निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि चीन के एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइलों को और चाइना के बड़ी बड़ी जो की CM-401DF-21DY-J-21 जैसी मिसाइलों को पूरी तरीके से नष्ट करने में ये कूसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्षम होगा। हालांकि चाइना की इस तरीके की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए मौजूदा समय में भी भारत के पास एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है नौसेना की तरफ से कि ये भारत का ये जो नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने वाला है, ये चाइना की तरफ से आ रही 7 Mach से भी ज्यादा की स्पीड से आने वाली मिसाइलों को भी नष्ट करने में सक्षम होगा। अब दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस तरीके के स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बन जाने के बाद भारत पूरी तरीके से सक्षम होगा अपने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दम पे चाइना की इस तरीके की किसी भी मिसाइल को बेअसर करने के लिए। और भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी कवच होगा और किसी भी देश को खौफ में लाने के लिए काफी होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के स्वदेशी तौर पे बनने के बाद भारत उस एलीट क्लब में आके शामिल हो जाएगा, जिस एलीट क्लब में उन देशों को शामिल किया जाता है जिन देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसमें 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम आते हैं। और भारत इस तरीके के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को स्वदेशी तौर पर सफलतापूर्वक बना चुका होगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना की तरफ से आई इस धमाकेदार खबर को लेकर आप सभी फ्रेंड्स के क्या विचार है, कमेंट्स कर अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।